गेम जीतने आया अपना स्टार। समोसा कसम आएगा 6 इस बार, पर समोसे ने ही कर दिया बुरा हाल। हुई शुरू लोग गड़बड़ गड़बड़, नींबू पानी पी लो गटगट, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, फिर भी है सब गड़बड़ गड़बड़। गड़बड़ को मत बढ़ने दो, लो फर्स्ट टाइम राइट, फर्स्ट टाइम इनो। इनो काम करना शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इनो ऑन फर्स्ट टाइम में गड़बड़ गॉन। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ये टैगलाइन से इस कंपनी ने करोड़ों रुपए छापे हैं। लेकिन दोस्तों इसके जो एडवर्टीजमेंट होते थे स्टार्टिंग के, जैसा कि अभी आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, और इसके जो स्टार्टिंग के शुरुआत के दिनों के एडवर्टीजमेंट होते थे वो जेम्स क्रॉसले इनो खुद ही लिखते थे, यानी कि इसके जो फाउंडर थे वो खुद ही एड की स्क्रिप्ट लिखते थे और वो एड की पब्लिशमेंट में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते थे। साथ में इनो बहुत सारे लोग तो पी के ठीक हो जाते हैं 6 सेकंड में, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और आपके घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको गलती से भी इनो मत दे देना। अगर आपके घर के अंदर लोगों को लीवर, हार्ट, किडनी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इनो इनके लिए नहीं है। साथ में अगर उनको एलर्जी है जो इनो के अंदर एसिड्स डलते हैं, जो इंग्रीडियंट डलते हैं उनसे, तो भी इनो उनको नहीं देनी। साथ में अगर कोई लो सोडा डाइट पर है तो इनो उसके लिए भी नहीं बनी है। और भी रोचक फैक्ट्स इनो के बारे में और इनो की जर्नी और इनो की मार्केटिंग वैल्यूएशन हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो बात करते हैं दोस्तों इनो की जर्नी के बारे में। इनो की जर्नी आज की नहीं, बहुत पुरानी जर्नी है। 1850 में शुरू हुई थी। इसके फाउंडर जो थे जेम्स क्रॉसले इनो, जो कि इंग्लैंड के एक निवासी थे, अंग्रेज थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे बहुत ही जल्दी हमारे पेट की जो समस्या है, जो हमारी खाने की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए और इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कोई मैजिकल, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन जाए जिससे मजा आ जाए। तो दोस्तों हमेशा इंसान उस चीज पर फोकस करता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो वो चीज बहुत जल्दी वायरल भी होती है और उस चीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। तो यही देख के उन्होंने 2 साल रिसर्च करी, कड़ी मेहनत और थोड़ा सा लक, ये मिला के मार्केट में 1852 के अंदर उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट का नाम था इनो। दोस्तों इनो आज इतना मशहूर है, लेकिन इनो के पीछे का इनो कोई लॉजिकल चीज नहीं है कि पता नहीं किसी चीज से बना हो। ये एक्चुअली में जो इसके फाउंडर थे उनका सरनेम था इनो। जैसे मेरा नाम है उमर खान, तो मेरा जो सरनेम है खान है, वैसे ही उनका था जेम्स क्रॉसले इनो, तो उनके जो नाम के पीछे इनो था ये वो है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनो की स्टार्टिंग की जर्नी इजी नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस किया, लेकिन इसके जो फाउंडर थे उनके दिमाग में एक प्लानिंग आ गई थी और उनको पता चल गया था कि अपने ब्रांड को अगर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे अपने ब्रांड की जो USP है, इसका जो प्रोडक्ट है, उसका मैसेज क्लियरली दिमाग में पहुंचाना पड़ेगा इंसान के। अगर मुझे टॉयलेट जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ये मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाले को पता चला कि भैया इसको टॉयलेट जाना है। ऐसे ही उन्होंने अपने इनो की मार्केटिंग करी कि इनो पीने से 6 सेकंड के अंदर आपके पेट की एसिडिटी चली जाती है, और उस टाइम से लेके आज तक इनो अपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा फोकस्डली वो अपने एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करता है, मैसेज कन्वे करता है अपनी टारगेट ऑडियंस तक। लेकिन वहीं हम बात करें इस पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया इनो की टारगेट ऑडियंस है, बट जिन लोगों को सीरियस डिजीजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीवर, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी किसी भी इंग्रेडिएंट इनो के, और साथ में अगर वो लो सोडियम डाइट पर हैं तो इनो उन लोगों के लिए नहीं है। अगर वो इनो का सेवन करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ये मैं नहीं, खुद इनो कंपनी कहती है, आप उसकी साइट पर जाके पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रक्रिया तो नहीं बताऊंगा कि इनो को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, काटो घोलो और पी जाओ, 6 सेकंड में काम खत्म। अब मार्केट में जनरली आपने इनो के कुछ फ्लेवर्स देखे होंगे और 2 तरीके से इनो को बिकते हुए देखा होगा, एक तो ये छोटे से पाउच में बिकती है और एक ये बोतल में बिकती है। यही बोतल और यही पाउच में ये इनो बिक बिक के आज करोड़ों रुपए हमारे देश में छाप रही है, और इसकी मार्केट वैल्यूएशन तो आपको पता ही है, इसकी करोड़ों में मार्केट वैल्यूएशन है, और इंडिया के अंदर इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हम लोग खाने के शौकीन हैं, चाहे बात नॉन वेज की हो,
चाहे बात बेच की हो, हमारे यहाँ तेल ठूट ठूस कर डाला जाता है और उसको खाने के बाद जो एसिडिटी होती है तो इनो बड़ा भाई बन के आके हमें बचाता है। तो दोस्तों ये था मेरी साइड से इनो के बारे में एक डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और नई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी लाइफ में ऐड हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो।